Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Monologue Classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 29th May 2024. Now we come to the important news in today's session. So the first news is Supreme Court tells Kejriwal to move CGI for listing bail extension plea. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिस्टर केजरीवाल जो है he is on interim bail, वो interim bail पर हैं और उनकी interim bail जो है वो 1 या 2 जून को खत्म होने वाली है, ठीक है। Honorable Supreme Court has granted him interim bail because he alleged that it was the politically motivated decision of BJP that he should remain in the prison and he should not campaign in the favor of his party. तो वो उनका ये allegation था कि उनको जानबूझकर जेल के अंदर डाला गया है ताकि वो जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं हमारे उसकी कैंपेनिंग ना कर पाए, ठीक है। Honorable Court ने इस रिगार्डिंग कि क्या उनकी जो अरेस्ट है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है उस पर अपना डिसीजन सुरक्षित रख लिया है और इनको इंटरिम बेल ग्रांट कर दी। लेकिन अब जैसे ही वो टाइम खत्म होने वाला है इंटरिम बेल का तो ये फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया है और अब ये चाहते हैं कि इनकी जो इंटरिम बेल है उसको एटलीस्ट 1 वीक तक जो है बढ़ा दिया जाए, इट शुड इंक्रीज 1 वीक। लेकिन इस पर जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने कहा है इट कुड नॉट इंटरवीन इन एन एप्लीकेशन filed in a case already reserved for judgment by another bench. तो अभी जो है हमारे कोर्ट में वैकेशन बेंच चल रही है। तो what is this वैकेशन बेंच? देखिए आप सब जानते हैं कि जो जून का महीना होता है जनरली उसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में छुट्टियां होती हैं, ठीक है। तो ऑनरेबल कोर्ट्स ऑनरेबल जजेस जो है वो भी घूमने जाते हैं तो इस बात को या इस पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान में रखते हुए कि जो जस्टिस है वो सफर ना करे और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सफर ना करे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए वैकेशन बेंच बनाई जाती है। तो यानी कि इस वैकेशन के दौरान ये जजेस ऑनरेबल कोर्ट की हियरिंग को करेंगे। द केस वाज चार्ज तो इन पर जो एलिगेशन लगे हैं जैसे आप सभी जानते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा है और उन्होंने कहा है कि आप जो आपके पास ये राइट है कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 है उसमें आप स्टैट्यूटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो बेल का प्रोसीजर है बेल का प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 436 टू 438 सीआरपीसी में 1973, ये बेल का प्रोसीजर है और ये जो पर्टिकुलर लॉ के सेक्शंस हैं ये इसको एक राइट देते हैं तो दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बेल। Now we come to next news. Tamil Nadu farmers protest against new dam construction at Mullapair. तो यहाँ पर Mullapair में एक नया डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिस पर तमिलनाडु के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रोटेस्ट? तो उनका कंसर्न ये है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा डैम का तो जहां पर जो हमारे किसान हैं उनकी लाइवलीहुड यानी कि जो वो नदियों से पानी लेते हैं और नदियों से पानी लेने के बाद वो जो फार्मिंग की एक्टिविटीज करते हैं दैट वुड बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड। तो वो ड्रास्टिकली अफेक्टेड होगी जिससे क्या होगा कि वो अपनी जो उनकी लाइवलीहुड है लाइवलीहुड का राइट वॉयलेट होगा। अब अगर हम लाइवलीहुड के राइट के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल 21 में देखें तो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको दो राइट देता है। पहला राइट है हमारे पास राइट टू लाइफ एंड सेकंड है हमारा पर्सनल लिबर्टी। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस का नाम था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या नाम था केस का? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया के एवरी पर्सन हैज द राइट टू लाइवलीहुड
अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हर व्यक्ति के पास अपनी जीविका को कमाने का एक फंडामेंटल राइट्स है। तो वैसे तो ये जो केस था, दिस वाज स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू द पेवमेंट ड्वेलर्स, यानी कि जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, इनके बारे में था कि इनको जो एमसीडी के लोग कई बार परेशान करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो ये राइट टू लाइवलीहुड है, इट इज द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम उसको उसी रेफरेंस में जोड़ के देखें, तो यहाँ पर इस डैम की कंस्ट्रक्शन करने से एज पर द प्रोटेस्टर्स, जो हमारे लाखों किसान हैं, उनके फंडामेंटल राइट टू लाइवलीहुड का वायलेशन होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो सरकार के द्वारा ना की जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, कंट्रीज पॉलिसी शुड बी एम्ड एट पुअर चिदम्बरम। तो ये जो मिस्टर पी चिदम्बरम है, ही इज द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने एक लेक्चर दिया और जिसका टॉपिक का नाम था इंक्लूसिव ग्रोथ, ए मिथ और रियलिटी। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, अगर आप देखें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्री तरह के जस्टिस की बात करती है। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कौन से जस्टिस की बात करती है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये कहती है कि भारत के सभी लोगों को तीन तरह के जस्टिस एंश्योर किए जाएंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जो कंसर्न्ड पर्संस हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नीड्स फुलफिल की जाएंगी। इकोनॉमिक का मतलब है कि थोड़ा सा जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उसको अप किया जाएगा। और पॉलिटिकल का मतलब है कि दोज पर्संस वुड बी एंटाइटल्ड फॉर अवेलिंग और एक्सरसाइजिंग देयर ऑन पॉलिटिकल राइट। इसके लिए होंगे वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। अब देखिए, कोई अगर पर्सन है तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इनका एक सीक्वेंस है और यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है। इनको इस सीक्वेंस में रखने के पीछे एक रीजन ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मीन्स रोटी, कपड़ा और मकान, उसको फुलफिल करता है और बाद में वो थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाता है। और जब उस पर्सन की सोशल और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, तब ही वो पर्सन अपने पॉलिटिकल राइट्स को अवेल कर सकता है। और अगर किसी पर्सन की ये रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती तो वो अपने पॉलिटिकल राइट्स अवेल नहीं कर पाता। तो अब इसी के आगे हम देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, DPSP, और उसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखें आर्टिकल 38 और 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 38 और 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी जिससे कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ रुके और जो इकोनॉमिक, जो देश के रिसोर्सेज हैं, वो सभी लोगों में टू द ग्रेट एक्सटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो जब देश के लोगों में जो रिसोर्सेज हैं देश के, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ऑब्वियसली ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि सभी लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए और ये ग्रोथ किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों की या किसी पर्टिकुलर धर्म जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पर एम्फेसाइज करते हुए हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम जी, उन्होंने ये बात कही है कि सरकार को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो सभी लोगों का बेनिफिट हो। और उन्होंने ये कहा है कि जब पॉलिसी बनाए तो उसमें पर्टिकुलरली SC और ST लोगों का ध्यान रखें। ठीक है, तो जो हमारे SC और ST लोग हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेजियस, ठीक है, इन द सोसाइटी। तो इनके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस रहे हैं अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आज इन लोगों को हमें मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, बॉन्ड साइंड फॉर रूरल सर्विस बाय MBBS ग्रेजुएट्स प्रायर टू जुलाई 2020 इलीगल हाईकोर्ट। तो देखिए क्या है कि अभी कुछ समय पहले जब हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी हुई थी, तो वहां पर एक कानून बनाया सरकार ने 2012 में, ठीक है, कि जो हमारे MBBS करने वाले डॉक्टर्स हैं
और वो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर एमबीबीएस कर रहे हैं या गवर्नमेंट से कोई और बेनिफिट ले रहे हैं, तो फिर उनको कुछ समय के लिए, पर्टिकुलरली 1 ईयर और 2 ईयर, रूरल सर्विसेज करनी पड़ेंगी। रूरल सर्विसेज का मतलब ये है कि आप एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद कुछ समय आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय आपको गांव में गांव के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। तो अंडरगो देखा यहाँ पे लिखा 1 ईयर ऑफ कंपल्सरी रूरल सर्विस। तो इट वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ देम टू सर्व द पीपल ऑफ द विलेज 1 ईयर, जो भी पर्सन एमबीबीएस की डिग्री है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आया कि ये कानून, तो ये बिल पास हो गया कब, 2012 में, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। अब सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। अब जब इसको लागू नहीं किया गया और ये ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश किया, इट वॉज पब्लिश्ड ऑन जुलाई 22 इन 2022, ठीक है। अब कानून बना 2012 में और वो लागू किया या उसको ऑफिशियली पब्लिश कब किया गया, 2022 में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जो जिन लोगों ने, यानी कि जिन डॉक्टर्स ने, जिसमें अराउंड 444 एमबीबीएस आ रहे हैं, उन्होंने बॉन्ड कब भरा, उन्होंने बॉन्ड भरा 2021 में, और 2021 में जब कानून ही नहीं था तो व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ दैट बॉन्ड, इज दैट बॉन्ड लीगली एनफोर्सिबल। सो आंसर इज दैट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिबल। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या कहता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो क्या होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप एनफोर्स ही नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है, अगर आप किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ही नहीं कर सकते तो फिर वो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो अब अगर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कानून के आधार पर बना है और वो कानून ही एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड दैट विल बी डीम्ड टू बी इलीगल। इसी के रेफरेंस में एक दूसरा एक आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। देयर इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। क्या मतलब है इसका, तो ये कहता है अ पर्सन शैल बी पनिश्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। मतलब एक पर्सन केवल कानून के वायलेशन के लिए ही लायबल होगा। अब यहां पर पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन ने किसी कानून का वायलेशन किया है और वो उस समय पर कानून बदल गया है, या उस समय पर वो कानून अगर प्रेजेंस नहीं है या एनफोर्स नहीं है, तो उस पर्सन की कानून में कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन्हीं लीगल ग्राउंड्स पर इसको क्या कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो 2021 से पहले एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने बॉन्ड साइन किए हैं, दीज आर नॉट लीगली वैलिड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, द क्वेश्चंस फॉर पैलेस्टीन यूएन मेंबरशिप। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि आप सब जानते हैं कि पैलेस्टीन और इजराइल दो कंट्री हैं। पैलेस्टीन क्या है कि पैलेस्टीन में एक हमास ग्रुप है जिसको कि एज पर इजराइल इट इज अ टेररिस्ट ग्रुप, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया और इसराइल के हजारों लोगों को मार दिया। अब पैलेस्टीन लेना चाहता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप, ठीक है। जैसे यूएनओ की मेंबरशिप में आप पर एट प्रेजेंट देखें, आप ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एट प्रेजेंट यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं एंड
193rd वाला जो मेंबर है इट इज साउथ सूडान, ये भी आपको क्वेश्चन आता है। तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बोले यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं, और दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि जो लास्ट मेंबर है यानी कि 193rd मेंबर जो है उसका नाम क्या है, तो इट इज साउथ सूडान। ठीक है, अब तो जो पैलेस्टीन है ये इसकी मेंबरशिप लेना चाहता है। मेंबरशिप लेने के बाद इसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो मेंबरशिप लेने के बाद इसको बेनिफिट ये हो जाएगा कि देखिएगा फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी एक इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन ऑर्गन है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक मेंबर है। अब आर्टिकल अगर आप 25 देखेंगे तो वो कहता है कि इट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। अगर आप एट प्रेजेंट देखें तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट इसराइल में और पैलेस्टीन में थ्रू हमास वार चली हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से पहले हमास ने इसराइल के हजारों लोगों को मारा, लेकिन अब बहुत सारे लोग, हजारों लोग इसराइल ने भी पैलेस्टीन के मार दिए हैं और हमास के मार दिए हैं। साथ ही साथ जो सिविल पॉपुलेशन है पैलेस्टीन की उसके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से क्राइसिस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिरा दिया है ना, जिसमें एलिगेशन थे कि वो इसराइल ने गिराया, लेकिन इसराइल ने उसको कहा कि ये हमने नहीं गिराया बल्कि ये हमास की एक चाल थी, इस तरह की बात है। अब अगर ये इसको मेंबरशिप मिल जाती है किसको, पैलेस्टीन को, तो बाद में इस तरह की चीजें या इस तरह का वार अगर होता है तो उसमें किसके पास राइट होगा, उसके उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी हेल्प के लिए आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या लीगल नॉर्म्स होते हैं। तो पहला है UN require that new member be peace loving, क्या होना चाहिए, पीस लविंग होना चाहिए, यानी कि वो जो स्टेट है या कंट्री जो कि मेंबर बनेगा वो ज्यादा झगड़ालू टाइप ना हो। ठीक है, सेकंड क्या है, एडमिशन रिक्वायर अ रिकमेंडेशन फ्रॉम UNSC। तो बेसिकली होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहले इसको रिकमेंड करेगी कि इस कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दे दी जाए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 जो हैं हमारे वो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास है वीटो पावर, क्या है, वीटो पावर। ठीक है, अब अगर 5 में से कोई भी एक मेंबर अपनी वोट नहीं देता किसके फेवर में, उस पर्टिकुलर कंट्री के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, तो फिर वो रिकमेंडेशन नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है कि पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन देती है कि इस कंट्री को मेंबर बना दिया जाए, इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसका मेंबर बना दिया जाए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA का मतलब है यहाँ पर बच्चों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ दिस UNO, यूनाइटेड नेशंस जनरल। तो उसके बाद पहले रिकमेंडेशन देगी सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको पास करेगी, तब वो कंट्री उसका मेंबर बनेगा। अब हम आगे देखते हैं इंडिया का स्पेस सेंस क्या है। तो इंडिया सपोर्टेड May 24th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन मेंबरशिप, बिलीविंग इट कुड एडवांस टू स्टेट सॉल्यूशन। तो इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया उस बात को सपोर्ट करता है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मई 2024 में एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चाहती है कि पैलेस्टीन को एक इसकी मेंबरशिप मिल जाए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे क्या होगा कि जो पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में एक वार चली हुई है उस वो क्या होगा कि वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर वार का कारण क्या है, वार का मेन कारण ये है कि
अराउंड 1948 ये जो जिस टेरिटरी पर आज इसराइल है एज पर द एलिगेशन ऑफ द फेलिस्तीन ये उनकी टेरिटरी हुआ करती थी और इसराइल जो है वो वहां पर इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा किया। तो इसराइल इसराइल का कंसर्न ये है कि हम यहाँ पर पहले से रह रहे थे, ये हमारा कंट्री है तो हम इसको कैसे छोड़ दें। तो इनकी जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका इजिली सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पैलेस्टीन कहते हैं कि ये जमीन जिस पर इसराइल बसा हुआ है वो उनकी जमीन है और इसराइल कहता है कि ये मेरी अपनी जमीन है, ये मैंने आपसे नहीं ली तो मैं यहाँ पर ही रहूंगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल इज सराउंडेड बाई अराउंड 57 मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, तो ये इनका मेन एलिगेशन है या मेन प्रॉब्लम है या बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है, अब इंडिया ने पहले भी 1947 में किसकी मेंबरशिप को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की को, और 1971 में सपोर्ट किया चाइना को। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइना जो है, व्हेन डिड चाइना बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी चाइना बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 1971। अब चैलेंजेस एंड पोटेंशियल सिनेरियो क्या है कि देखिए पैलेस्टीन की जो मेंबरशिप है इसको वीटो किया था यूएस ने, जैसा भी हमने आपको बताया। तो अगर यूएस ने फिर से इसको वीटो किया तो इसको ये मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है इट इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और परमानेंट मेंबर जो 5 हैं उन सब की कंसेंट होना जरूरी है। अगर एक भी कंट्री ने इस रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग फेवर में रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट दिया यानी कि वीटो किया अपनी वोट की पावर को तो वहां पर उसको वो डिसीजन नहीं लिया जाता। ऑन फायर सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में अभी 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं, ट्रेजिक इंसिडेंट हुए हैं। एक हुआ है टीआरपी गेम जॉन राजकोट में गुजरात में और दूसरा हुआ है दिल्ली हॉस्पिटल में। तो दिल्ली हॉस्पिटल में जो हुआ है तो राजकोट वाले में 32 पीपल्स की डेथ हुई और पीपल की डेथ हुई और दिल्ली में 7 बेबीज की डेथ हुई। अब हम समझते हैं कि फायर सेफ्टी रेगुलेशन हमारे देश में क्या क्या है। तो देखिए चैप्टर 11 किसका, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016। तो ये देश का एक कानून है मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016। इसका चैप्टर 11 है जो किसकी बात करता है, इट डील्स विद द फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योरिंग एडहेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड। तो हमारे देश में क्या है, एक दूसरा कानून है, इट इज कॉल्ड नेशनल बिल्डिंग कोड या NBC। NBC का मतलब ये है कि ये क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड। तो जो भी हमारे देश में बिल्डिंग बनेगी वो बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार ही बननी चाहिए। अब अगर कोई बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार नहीं बन रही है तो उसको या कंसर्न म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहां से हटा सकती है या उसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, अब देखें इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 2017 है, ये मैंडेट करता है कि चीफ फायर ऑफिसर्स ओपिनियन फॉर एवरी टेम्पररी स्ट्रक्चर, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 2017 का है इसके अनुसार चीफ फायर ऑफिसर की जो ओपिनियन है वो हर टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए भी ली जानी चाहिए। ऑल स्ट्रक्चर मस्ट मीट फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रोविजन स्पेसिफाइड बाय द फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स 2013। तो यानी कि जो भी हमारे देश में बिल्डिंग बननी है उसको ये सब रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। तो हमने ये डिस्कस किए लॉ हमारे देश में। ठीक है, अब इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे देश में लॉज तो हैं बट देर इज अ प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन, ये तीनों जो कंट्रीज हैं इन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस रिकॉग्निशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन, क्या मतलब है कि जब एक कंट्री
दूसरे कंट्री के या दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखिए, जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है तो इसका कानून में ये मतलब होता है कि वो कंट्री उस दूसरे कंट्री को देश मानता है, एक स्टेट मानता है, एक कंट्री मानता है, ठीक है। और अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो कंट्री उस दूसरे देश के लिए उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, उसकी नजरों में वो एक देश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सपोज इंडिया ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया की नजरों में एक कंट्री है। लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान वैसे तो एक कंट्री है और संसार के अलग अलग देशों ने अगर इसको रिकॉग्नाइज किया है तो ये उन सभी देशों के लिए कंट्री है, बट पाकिस्तान विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंट्री फॉर इंडिया। तो वो पाकिस्तान भारत के लिए मतलब कंट्री नहीं माना जाएगा। अब जो रिकॉग्निशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है डी जूर और दूसरी होती है डी फैक्टो। कौन सी होती है? डी जूर और डी फैक्टो। डी जूर का मतलब होता है टेम्पररी और डी फैक्टो का मतलब होता है परमानेंट। तो डिजोर का मतलब यह है कि अगर एक देश ने दूसरे देश डिजोर डिफेक्टो, तो हाँ सॉरी, जो डिजोर है हमारी वो परमानेंट होती है और डिफेक्टो हमारी टेम्पररी होती है, ठीक है बच्चों। अब अगर किसी पर्सन, किसी कंट्री ने दूसरे देश को जो मान्यता दी है या रिकग्निशन दी है वो परमानेंट नेचर की है तो वहां पर उस कंट्री के साथ उसकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो अगर किसी ने किसी दूसरे कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप दी, परमानेंट रिकॉग्निशन दी है, यानी कि डिजो रिकॉग्निशन दी है, तो उन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी ही होगी। और एक बार अगर हम किसी दूसरे देश को परमानेंट रिकॉग्निशन दे देते हैं तो हम फिर उसको वापस नहीं दे सकते। सिमिलरली जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन है, डिफैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब है कि टेम्पररी रिकॉग्निशन। तो अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को टेम्पररी रिकॉग्निशन दी है तो उसको बाद में परमानेंट किया जा सकता है, और टेम्पररी रिकॉग्निशन में दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो नहीं होती, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो स्पेन या नॉर्वे, आयरलैंड के कंसर्न ऑथोरिटीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया है या देशों ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जब ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो जो इसराइल के अटैक हो रहे हैं किसके अगेंस्ट, पैलेस्टीन के अगेंस्ट, उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, ठीक है। और इसको जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर मिल जाएगा तो वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट में आएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम विचार देखें इसका इसराइल का, तो इसराइल ने ये रेस्पॉन्स किया है कि भले ही इसको कोई भी रिकॉग्नाइज कर ले, भले ही ये प्राइम, ये जो पैलेस्टीन है इसको मिल जाए परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो हमले हैं वो उसी प्रकार उस पर चलते रहेंगे गाजा में, ठीक है, तो हम उससे डरने वाले नहीं। So dear students, I have discussed all these important news in today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.